जाने वाले काम ही करते हैं। मॉम, मुझे बस सच जाना है। कौन हो तुम? तो वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नीरी व्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 शोज़ के बारे में जो कि बिंज वॉच शोज़ होने वाले हैं। इनमें से कोई भी शो ऐसा नहीं है जिसमें आपको क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस या फैंसी वाला टच ना देखने मिले। मैं ये कह सकता हूँ फैंसी इनमें आपको ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस इतना देखने के लिए मिलेगा कि जो आपको आपकी सीट के एज पर रखेगा। तो लिस्ट की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। दरिंदे ने तुम्हें देख लिया, समझो हमेशा के लिए शाप लग गया। की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी शो के साथ जिसका नाम है ब्लैक क्रैप। ब्लैक क्रैप शो की बात करते हैं, इस शो को 2022 में रिलीज किया गया है और ये एक्शन वॉर्स से भरा हुआ शो है जिसकी आपको IMDb 5.6 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ सिक्स सोल्जर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि पोस्ट अपोकलिप्स के बाद एक मिस्टीरियस पैकेज को डिलीवर करने के लिए जाते हैं जो कि उनको मिशन दिया जाता है। अब वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, उसमें क्या ऐसी थिंग है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, जो आपको खुद देखना होगा। बिंज वॉच जो शो है तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। ब्लैक का आपको लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है पीसीज ऑफ हर। पीसीज ऑफ हर को अभी 2022 में रिलीज किया गया है। थ्रिलर मिस्ट्री से भरा हुआ शो है जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। और जो शो सीरियसली बिंज वो शो है, इसमें वो थ्रिलर मिस्ट्री क्राइम अनदर लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक वूमेन देखने के लिए मिलेगी जो कि छोटे से टाउन में रहती है। जब वहाँ पर एक मिस्टीरियस हमला होता है तो वो अपने मदर के डार्क पास्ट को एक तरह से तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर वॉयलेंट अटैक क्यों हुआ है और क्या क्या थिंग्स हुई हैं, उन डेडली सीक्रेट्स को फाइंड करती है। अब उससे आगे क्या होता है जो आपको खुद देखना होगा। ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ बिंज वॉच शो है तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। पीसीज ऑफ हर को कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो तुम किसी को अच्छे से जानते हो, कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है और एक दिन तुम्हें पता चलता है। तुम्हारी लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है वाइकिंग वेलहैला। इस शो की बात करते हो, इस शो को अभी फेब 2022 में रिलीज किया गया है और इस शो को जाके आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आपको कुछ वाइकिंग्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि एडवेंचर की ओर निकलते हैं, लेकिन वो एडवेंचर में चेंज नहीं होता और किस तरह से उनके पास एक तरह चेंज हो जाते हैं यूरोप में, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ, एक हिस्टोरिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर के साथ आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो, वाइकिंग वेलहैला को, अगर आपको वाइकिंग्स वाले शो पसंद हैं तो। नेक्स्ट मैं लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है सीक्रेट्स ऑफ समर। सीक्रेट्स ऑफ समर एक टीनेजर ड्रामा शो है जिसमें आपको म्यूजिकल टच काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको डिज्नी के शोज में देखने के लिए मिलता था। और आप इस शो को जाके वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और इस शो का भी 2022 में रिलीज किया गया था और काफी अच्छा शो है। अगर हम जहाँ पर शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है जहाँ पर आपको रिजॉर्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि वेक बोर्डिंग का कंपटीशन करता है, और जहाँ पर आपको एक मैक्सिकन एथलीट देखने के लिए मिलेगी जो कि अपनी फैमिली के सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, अनकवर करने की कोशिश करती है। अब उससे आगे थिंग्स में क्या होता है आप इस शो को जाकर खुद देखना और खुद बताना कैसा जो शो था। तो आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो। सीक्रेट्स ऑफ समर को बिंज वॉच शो है। ये है स्काई वाइब्स। हाँ, स्काई वाइब्स यहाँ बनेगा। परफेक्ट, ये टीम मस्त है। तो टोनी, क्या सरप्राइज है यार, तुम्हारे साथ किसी भी एडवेंचर पर जाने में बहुत मजा आएगा। फूलियन 1-1-0। कस्टमर लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है एनी विद एन ए। अगर हम इस शो की बात करते हैं, इस शो को 2017 में रिलीज किया गया था, जो एक हिस्टोरिकल फिल्म है जिसकी आपको IMDb 8.7 के आसपास मिल जाएगी, जिससे आप गेस कर सकते हो कि शो कितना ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ बना होगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक एनी नाम की 13 साल की लड़की देखने के लिए मिलेगी जिसका चाइल्डहुड बहुत ही अब्यूसिव तरीके से बीता है लेट 1890s में, लेकिन उसके बाद उसको एक तरह से अपने सिबलिंग्स के पास भेज दिया जाता है जो कि प्रिंस एडवर्ड के आइसलैंड पर रहते हैं। अब उसके बाद थिंग्स में क्या टर्न और ट्विस्ट आते हैं, क्या वो इतनी यूनिकली थिंग्स करती हैं, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। एक ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ एक ग्रेट मूवी, हिस्टोरिकल फिल्म जिसमें आपको ड्रामा के साथ साथ बहुत थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो एनी विद एन ए को। नेक्स्ट मंथ लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम। जितना ही लंबा नाम है उतना ही अच्छा यह शो है जिसकी आपको IMDb 6.3 के आसपास मिल जाएगी और आप इस शो को जाके नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
जो शो आपको मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिल से भरा हुआ शो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक वूमेन देखने के लिए मिलेगी जो कि अपने घर में ही विंडो से किस तरह से वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है उसको देखती रहती है। अचानक से उसकी लाइफ में टर्न और ट्विस्ट आते हैं जब उसे एक हैंडसम नेबर देखने के लिए मिलता है। जब उसे ये पता लगता है कि वो एक तरह से विटनेस बन चुकी है एक मर्डरर की, अब उससे आगे थिंग्स में क्या टर्न और ट्विस्ट आता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बिंज वॉच जो शो है तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हैं, द वूमेन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम। तुम्हारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है मैच द एज ऑफ वॉर। इस शो का विजय 2022 में रिलीज किया गया है और दूसरी ओर जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिल मूवी रहेगी एक ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ। और जहां पर शो का प्लॉट सारा 1938 में आपको देखने के लिए मिलेगा और जहां पर हिटलर देखने के लिए मिलेगा जो कि एक तरह से चेल्सो वाक्य को इन्वेट करने की ठान चुका है, और दूसरी ओर जहां पर आपको नेवल की गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी जो एक तरह से पीसफुल सोल्यूशन चाहती है। अब उससे आगे थिंग्स में क्या होता है ये आपको खुद देखना होगा। ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो ड्रामा थ्रिलर के साथ द एज ऑफ वॉर को। कस्टमर लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है द रॉयल ट्रीटमेंट। द रॉयल ट्रीटमेंट एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस शो को अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है 2022 में, और इस शो को जाके आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर शो के प्लॉट की बात करते हो, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक इजी नाम की हेयर ड्रेसर देखने के लिए मिलेगी जो कि एक चार्मिंग प्रिंस की शादी के लिए उसको रेडी करने के लिए जाती है। लेकिन कहानी में टर्न टू स्टॉप आता है जब दोनों के बीच में कनेक्शन फाइंड आउट होना शुरू हो जाता है। अब उससे आगे थिंग्स में क्या होता है ये आपको खुद देखना होगा। बिंज वॉच जो शो है तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो द रॉयल ट्रीटमेंट को। सच्चाई तो ये है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ और ही करना चाहूंगी। कैची तैयार। 1, 2, 3 हम दोनों यहाँ बाल काटने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और तुम रॉयल फ्लर्ट कर रही हो। मैं राजकुमार के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही। तुम मुझे उस नजर से देख रहे हो। किस नजर से? अजीब नजर से। इसमें शो आने वाला है, उस शो का नाम है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एक ड्रामा शो है। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक फैमिली देखने के लिए मिलेगी जो कि एक तरह से बहुत ही इकट्ठी रहती है लेकिन समाज के हिस्सों से अलग रहती है। अचानक उनसी पूरी शांति और लाइफ में पूरी हफड़ा दफड़ी मर जाती है जब अचानक से एक जानवर हमला कर देता है। अब उससे आगे थिंग्स में क्या होता है ये आपको खुद देखना होगा। काफ़ी अच्छा शो है तो आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हो। द वेस्टलैंड को नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फाइनली नंबर 1 पर जो मेरा शो आने वाला है वो एक कोरियन शो है और सीरियसली मेरा फेवरेट शो है। पिछले कुछ टाइम में कोरियन ड्रामा शोज इतना बढ़िया करके दे रहे हैं कोरियन शोज की, जो मे बी हॉलीवुड वाले शोज भी हमें इतना अच्छा नहीं करके दे पा रहे। और दूसरी ओर इस शो का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इस शो को 2022 में रिलीज़ किया गया है, जो ड्रामा शो है जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि हाई स्कूल में फंस जाते हैं और बाहर एक तरह से जॉम्बिस का आउटब्रेक हो जाता है। अब उससे आगे थिंग्स में क्या टर्न और ट्विस्ट आते हैं ये आपको खुद देखना होगा। बिंज वॉच जो शो है तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो ऑल ऑफ अस आर डेड को, ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। जैसे मेरी और साहब सबके लिए कुछ ऐसे टॉप 10 शो जिनमें आपको कुछ आपको वेब शोज देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको मूवीज देखने के लिए मिलेंगी। इनमें से कुछ शोज में आपको द ऑल ऑफ अस डेड और पीस ऑफ अर हर द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द सिटी फ्रॉम काफ़ी अच्छे शोज हैं जो आपको स्टोरी में बनने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको आपकी सीट पर एज पर रखेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी आज की लिस्ट अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।